हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो ये डायग्राम हमारा सिंपल प्रेशर रिलीफ वाल्व का है, यानी कि जो डायरेक्टली ऑपरेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पूल होता है या पॉपेट होता है, और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है जो कि प्रेशर सेटिंग स्क्रू से कनेक्टेड होता है। इससे हम लोग ये सेट करते हैं कि लिमिटिंग प्रेशर क्या है हमारा, ठीक है। तो फ्लूड हमारा इनलेट से आता है, और जब ये लिमिट प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेशर, तो ये कोन ऊपर उठ जाता है और फ्लूड इधर से होते हुए आउटलेट से निकल जाता है, ठीक है। और इसका ये हमारा सिंबल है। और अगर बात करें पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का, तो ये डायग्राम है हमारा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का। ये है हमारा नॉर्मल पोजीशन और ये है एक्चुएटेड पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है कि हमारा उस टाइम फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा होता, यानी कि प्रेशर लिमिट से ज़्यादा नहीं हुआ है। और इसका कंस्ट्रक्शन को अगर देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला ये और दूसरा ये, जिसमें कि पहले वाले पार्ट में हम कोन यूज करते हैं और जो स्प्रिंग होता है वो कम प्रेशर को सह सकता है, और यहाँ स्प्रिंग जो होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और इसमें हम पॉपेट के रूप में कोन को यूज करते हैं, और यहाँ पे मेन स्पूल यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह के शेप का होता है। और इसमें एक ऑरिफिस भी बना होता है, और ऑरिफिस का काम होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। तो इसमें होता क्या है, एक्चुएटेड पोजीशन में हमारे पास इसमें दो आउटलेट होता है, ठीक है, ये और ये दोनों। जब हमारा ऑयल फ्लो करता है, जब प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा ऑयल फ्लो करेगा ऑरिफिस से होते हुए, ठीक है, ऑरिफिस से होते हुए फ्लो करेगा, और ये कोन ऊपर उठ जाएगा, और जो है ऑयल हमारा फ्लो करते हुए ये आउटलेट से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमारा प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि ऑयल ऑरिफिस से फ्लो करेगा, ऑरिफिस जो है हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, यानी कि ऑरिफिस के जो इस साइड नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऊपर में जो है हमारा प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये स्पूल जो है मेन स्पूल ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर उठ गया है, और ऑयल जो है हमारा इधर से फ्लो कर जाएगा आउटलेट में, आउटलेट की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा एक्चुएटेड पोजीशन का। तो फ्रेंड्स, आप हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन सा टॉपिक के वीडियोज़ देखने हैं। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।